एवरी वन थैंक यू अगेन फॉर कमिंग बैक टू video. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फेयर्स और फेस्टिवल्स जो कि लास्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट थे चलिए वो स्टार्ट करते हैं और जो लास्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट थे ना हमने वो जो सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स पे डिस्कस किए थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी वहाँ से भी आप देख लीजिएगा उसमें भी कुछ फेयर्स और फेस्टिवल्स मैंशन हैं चलिए फ़र्स्ट है ओनम फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद ओनम फेस्टिवल बहुत सुना है बहुत पढ़ा है तो ओनम इज फेस्ट ओनम फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बीहू कहाँ पे सेलिब्रेट होता है हम सब ने इससे भी बहुत फेमस है बीहू से तो बीहू सेलिब्रेट होता है इन द स्टेट ऑफ आसाम ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बिस सिटी विल होस्ट इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो जो सिटी आपकी इंडिया का बिगेस्ट फेस्टिवल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में आ, होस्ट करेगी वो सिटी है आपकी डेली और फेस्टिवल का नाम है अ फेस्टिवल फॉर ऑल एजेस इन प्लस ऑफ दिस इस फेस्टिवल को कौन इनागरेट कर रहा है वो डेली के सी एम अरविंद केजरीवाल इनागरेट कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ये भी हम सबको बहुत फेमिलियर फेस्टिवल uh, uh, है तो पोंगल सेलिब्रेट होता है तमिलनाडु में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट सरहुल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट सरहुल जो है ये आपका फेस्टिवल है फ्रॉम द स्टेट ऑफ झारखंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट थर्टी फिफ्थ सूरजकंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला सूरजकुंड मेला भी सूरज कुंड मेला भी इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो सूरज कुंड मेला जो है ये सेलिब्रेट किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हरियाणा नेक्स्ट चिथिरई फेस्टिवल या फिर वेरी फेमस मीनाक्षी मीनाक्षी टेम्पल फेस्टिवल मीनाक्षी फेस्टिवल जिसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं चिथिर एक उसका एक और नाम है चिथिरई फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो ये जिस स्टेट में सेलिब्रेट होता है द स्टेट नेम इज़ तमिलनाडु ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट माधवपुर घेड़ फेयर इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो माधवपुर घेड़ फेयर जो है वो जिस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है वो स्टेट है आपका गुजरात ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हेरथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट हेरथ फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है हमारा जम्मू कश्मीर में जैसे नॉर्थ इंडिया में शिवरात्रि होती है वैसे जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि को हेरथ फेस्टिवल बोलते हैं नेक्स्ट गंगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट गंगौर फेस्टिवल जो है आपका ये आपका जो गॉडेस गौरी होती हैं उनकी पूजा की जाती है इसमें और ये सेलिब्रेट होता है आपके सारे स्टेट्स जितने चार स्टेट्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात वेस्ट बंगाल इन चा इन चारों स्टेट्स में तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबाऊ तो मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात वेस्ट बंगाल में कौन सा फेस्टिवल कॉमन है वो है गंगौर फेस्टिवल नेक्स्ट ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो ट्यूलिप फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट रथ यात्रा एट पुरी इज़ सेलिब्रेट इन ऑनर ऑफ विच गॉड तो रथ यात्रा एट पुरी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है लॉर्ड जगन्नाथ के ऑनर में ऑप्शन सी लॉर्ड जगन्नाथ नेक्स्ट पपेती फेस्टिवल किस रिलीजन से बिलोंग करता है तो पपेती फेस्टिवल जो है वो पारसीज का न्यू ईयर फेस्टिवल है ऑप्शन ए पारसीस नेक्स्ट थाईपुसम फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है थाईपुसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट सूर्य फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है तो सूर्य फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ थिरुवंतपुरम नेक्स्ट तारनेतार फेयर तारनेतार फेयर कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया गया तो ये सेलिब्रेट किया गया हमारा गुजरात स्टेट में ऑप्शन ए नेक्स्ट भूमचू फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया अगर आप ध्यान से ये इमेज देख रहे होगे तो आइडिया लग गया होगा भूमचू फेस्टिवल अगर एक हमारा डांस भी है बरदो छाम वो कौन से स्टेट से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा बरदो छाम कौन से स्टेट का डांस है ट्रांसफॉर्म है तो बुमचू फेस्टिवल जिस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है वो इस स्टेट है सिक्किम ऑप्शन ए नेक्स्ट कौन से आ, कौन से फेस्टिवल में बुलक्स या फिर अदर कैटल्स जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं उनकी पूजा की जाती है तो जिस स्टेट में बुलक्स और अदर, अदर फेस्ट अदर कैटल्स की पूजा की जाती है वो स्टेट है वो आ, हमारे फेस्टिवल का नाम है पोला और वो जिन स्टेट्स में प्रैक्टिस किया जाता है पोला फेस्टिवल वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है नेक्स्ट ट्वेंटी थर्ड हॉर्न फेस्टिवल ये हमने सिक्स मंथ करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था जिसने जिसने वो करंट अफेयर्स देखा होगा उसका तो वन मार्क श्योर पक्का तो ये है ट्वेंटी थर्ड हॉर्नविल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वंगाला फेस्टिवल भी हमने डिस्कस किया था हंड्रेड ड्रम डांस फेस्टिवल भी जिसको बोलते हैं तो वंगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट तोखू इमोंग हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है तो तोखू इमोंग हार्वेस्ट फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया जाता है उसी स्टेट में जिस स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था नागालैंड नेक्स्ट फोर्टी फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पे सेलिब्रेट होगा तो फोर्टी फर्स्ट इंटरने इंटरनेशनल ट्रेड फेयर फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा नई दिल्ली न्यू दिल्ली में नेक्स्ट साउ जाओ कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है साउ जाओ सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ गोवा नेक्स्ट पहलगम बर्ड फेस्टिवल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो यहाँ पे देखिए अगर आप बर्ड फेस्टिवल 2022 देखोगे तो वो अलग है बर्ड फेस्टिवल 2022 जिस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है आपका बहुत ये उत्तर प्रदेश का बहुत क्लोज बाय स्टेट है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और पहलगम बर्ड फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेट किया गया इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट राइजिंग सन वाटर फेस्ट टू कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 सेलिब्रेट किया गया इन द स्टेट ऑफ मेघालय ऑप्शन सी नेक्स्ट एट्थ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया तो ये हमारा जिस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया उसको सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं वो है भोपाल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट टेंथ एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो टेंथ एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया गया डेली में ऑप्शन बी नेक्स्ट छापर मेला इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो छापर मेला हमारा सेलिब्रेट किया गया है लुधियाना में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अहरबल फेस्टिवल ये अहरबल फेस्टिवल आ, एक मतलब समझ लीजिए सबसे नया फेस्टिवल है आप uh, एकदम नया नाम है अहरबल और ये uh, आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था टू प्रमोट द टूरिज़्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया होगा जम्मू एंड कश्मीर वेरी गुड नेक्स्ट तानसेन संगीत समारोह इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो तानसेन संगीत समारोह सेलिब्रेट किया गया आपका ग्वालियर में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे कार्निवल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया तो कार्निवल फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया गया इन द स्टेट ऑफ गोवा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ सिक्स मंथ वाला करंट अफेयर्स भी देखोगे ना उसमें भी बहुत सारे फेयर्स फेस्ट और फेस्टिवल्स हमने डिस्कस किए हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहाँ से देख लेना एंड प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि ए, आपका एक लाइक किसी को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट टमारो